प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक स्ट्रेट वायर लेंगे इनफाइनाइट, लेट अस सपोज एक इनफाइनाइट वायर है, इसके आसपास हम एक क्लोज पाथ लेंगे, ये इमेजिनरी क्लोज पाथ ले लिया, इसके ऊपर हम एक एलिमेंट लेंगे डीएल जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो क्योंकि करंट ऊपर है तो बी भी इनसाइड है डीएल भी इनसाइड है, तो बी और डीएल वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं ये पूछूं कि इनफाइनाइट वायर है इसके आर डिस्टेंस दूर बताओ बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू टू इंटू करंट आई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। हमने किया हुआ है, इनफाइनाइट वायर हमें क्या रिजल्ट देता है, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय आर। ये भी क्लियर है यहां तक। तो इसमें अगर मैं बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट से ओपन करता हूं इसे मैं, तो डॉट प्रोडक्ट से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, और मेरे इस केस में एंगल बिटवीन बी एंड डी एल कितना है, जीरो। तो क्या आएगा, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो बी बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब क्लोज्ड पाथ कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल में डीएल 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 मिलाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, टू पाई आर। तो आपके पास पूरे क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल क्या आ गया, बी इंटू टू पाई आर। अब बी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे हमें मालूम है कितनी, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय आर। तो यहां से टू पाई से फोर पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, टू से फिर टू कैंसल, कैंसल करने के बाद रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट इंटू आई। यही इसका प्रूफ है, जिसके अंदर कि कोई भी क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस आपने बी डॉट डी एल कैसे निकाला, डॉट प्रोडक्ट लेके, डॉट प्रोडक्ट लिया और फिर बी को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल टू पाई आर, बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाई आर, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, इसका प्रूफ हो गया। अब लेकिन ये जो प्रूफ है इसके अंदर मैंने क्लोज्ड पाथ क्या लिया, सर्कल लिया, तो मेरा रिजल्ट दो लाइन में आ गया, पर ये तो कोई जरूरी नहीं कि क्लोज्ड पाथ क्या हो, सर्कल हो। अगर आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ याद हो तो गॉस थ्योरम के प्रूफ में मैंने क्या किया था, एक चार्ज लिया था और एक स्फेयर बनाया था, और लेकिन मैंने कहा था अगर आप क्लोज बॉडी स्फेयर नहीं बनाते तो भी आप अपना प्रूफ कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीखना पड़ता है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। मैंने वीडियो कहा था सुन लेना सॉलिड एंगल का, ऐसा हमने किया था, पर चलो ऑप्शनल था, करना है करो नहीं करना करो, पर इसमें सॉलिड एंगल नहीं चाहिए। तो मैं फिर से एक बार प्रूफ करूंगा एम्पियर सर्किटल लॉ, जब इसके आसपास ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के आसपास जो क्लोज्ड पाथ है वो सर्कल नहीं है। तो वो क्लोज्ड पाथ क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी पाथ है, राइट। तो पहले मैंने डेरिवेशन की या पहले मैंने ड्राइव किया एम्पियर सर्किटल लॉ ये मानते हुए कि क्लोज पाथ क्या है, सर्कल, तो इजी स्टेप से दो लाइन में खत्म हो गया। लेकिन अब मैं मानता हूं कि क्लोज पाथ सर्कल नहीं है, तो अगर मेरा क्लोज्ड पाथ सर्कल नहीं है तो मान लो ये क्लोज्ड पाथ के अंदर स्मॉल एलिमेंट है डी एल वन, अगला एलिमेंट है डी एल टू, अगला एलिमेंट है डी एल थ्री, डी एल फोर, डी एल फाइव, डी एल एन, तो छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की दूरी इस वायर से सेम नहीं है, ये एलिमेंट पास है तो ये एलिमेंट दूर हो सकता है, तो ये डिस्टेंस अगर आर वन है तो ये आर टू है, तो ये आर थ्री है, ये आर फोर है, ये आर एन है, राइट। तो ये डी एल वन, डी एल टू, डी एल थ्री, डिस्टेंस R1, R2, R3, हर एलिमेंट ने कोई एंगल बनाया सेंटर पे, तो DL1 ने एंगल कितना बनाया, d थीटा वन, DL2 ने एंगल क्या बनाया, d थीटा टू, DL3 ने एंगल क्या बनाया, d थीटा थ्री, और DLN ने एंगल क्या बनाया, d थीटा n। ये भी क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ जो सारे एलिमेंट एंगल बनाते जाएंगे यहां पे, तो टोटल एंगल का सम यहां पर क्या जाएगा, टोटल एंगल का सम आएगा डी थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, करते करते कितना, टू पाई। पहला स्टेप क्लियर है, टोटल सेंटर पे सारे एंगल का सम इक्वल टू कितना, टू पाई, राइट। इसके बाद ये जो एक सेक्टर है, मान लो एक सेक्टर है, इस सेक्टर में एक फॉर्मूला लगेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एंगल कितना है डी थीटा वन, आर्क कितना है डी एल वन, और रेडियस कितना है आर वन, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डी थीटा वन इज डी एल वन बाय आर वन। फिर ऐसे सेकेंड सेक्टर के अंदर डी थीटा टू इज डी एल टू बाय आर टू, फिर ऐसे डी थीटा थ्री इज डी एल थ्री बाय आर थ्री, एंड सो ऑन। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की दूरी सेम है ही नहीं,
तो जैसे ये एलिमेंट है, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, आर वन है, तो यहाँ पर बी वन का फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू आई करंट बाय आर वन। लेकिन इसकी दूरी कितनी है, आर टू, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, बी टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय आर टू। यहाँ पर क्या लगेगा, बी थ्री। तो कहने का मतलब बी की वैल्यू एलिमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी सेम नहीं होगी, क्योंकि हर एलिमेंट की दूरी वायर से डिफरेंट है। तो जहाँ डीएल वन एलिमेंट है वहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी वन, जहाँ डीएल टू है वहाँ बी टू, जहाँ डीएल थ्री है वहाँ बी थ्री एंड सो ऑन। तो हमने क्या निकालना है, इस क्लोज पाथ का बी डॉट डीएल। तो इस पूरे पाथ का बी डॉट डीएल कैसे निकलेगा, फर्स्ट इस पार्ट का निकाल लो बी वन डॉट डीएल वन, इसका निकाल लो बी टू डॉट डीएल टू, इसका निकाल लो बी थ्री डॉट डीएल थ्री एंड सो ऑन। ये देखो, तो पूरे क्लोज पाथ का बी डॉट डीएल कैसे निकलेगा, बी वन वैक्टर डॉट डीएल वन वैक्टर, बी टू वैक्टर डॉट डीएल टू वैक्टर, बी थ्री वैक्टर डॉट डीएल थ्री वैक्टर एंड सो ऑन। यहाँ पे इंटीग्रेशन मत लगाना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट का बी डॉट डीएल ऐड करते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो क्या, वो आपको क्या देगा, पूरी लूप का इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल देगा। अब मुझे पता है बी और डीएल में एंगल जीरो होता है, तो यहाँ पर बी वन डॉट डीएल वन में बी वन इंटू डीएल वन इंटू कॉस जीरो, अगले एलिमेंट में भी बी टू इंटू डीएल टू इंटू कॉस जीरो, अगले में भी बी थ्री डीएल थ्री कॉस जीरो एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक। अब बी वन की जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i1 बाय आर वन, 2i बाय आर वन। बी टू की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय आर टू, नेक्स्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय आर थ्री एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i, तो क्या बचा, डीएल वन बाय आर वन, डीएल टू बाय आर टू एंड सो ऑन। अब मुझे पता है डीएल वन बाय आर वन क्या है, डी थीटा वन, डीएल टू बाय आर टू क्या है, डी थीटा टू। तो ये बना डी थीटा वन, डी थीटा टू, डी थीटा थ्री एंड सो ऑन। और टोटल एंगल का सम क्या रहेगा, 2 पाई, 2 पाई 4 पाई 2 कैंसिल, आंसर म्यू नॉट इनटू आई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो आपको कोई भी प्रूफ आप लिख सकते हैं, आप चाहे ये मान के चलें कि सर्कुलर लूप है, चाहे मान के चलें आर्बिट्ररी है, पर मेरे हिसाब से आपको आर्बिट्ररी कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें तो सारे केस कवर हो ही जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्लियर है।